नमस्ते, वेलकम टू किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इशिता है। मेरा नाम विभोर है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 50 गायों की आदर्श गौशाला हम कैसे बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये गौशाला हमने हर छोटी सी छोटी बारीकियों पे ध्यान रख के बनाई है, ताकि गायों की देखभाल में किसी भी तरह की कसर ना रह जाए। किनाया ऑर्गेनिक फार्म एक मॉडल फार्म है, जहाँ पर हम सबसे उच्च स्तर का गौपालन कर रहे हैं, जिसके जरिए हम पूरे जयपुर में गिर गाय का A2 दूध और पूरे विश्व भर में गिर गाय का A2 मिलोना घी उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पे गौ आधारित कृषि भी कर रहे हैं, जिसके जरिए हम ऑर्गेनिक फल, सब्जियाँ, तेल, अनाज आदि भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो आप भी हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं देसी गायों के और प्राकृतिक खेती के जो महत्व है और फायदे हैं लोगों तक पहुंचाने में। एक आदर्श गौशाला वो होती है जिसमें गाय खुश और स्वतंत्र हो, वो जब चाहें अपनी मर्जी से चारा खा पाएं, पानी पी पाएं और साथ ही में अपनी साथियों के साथ भी समय बिता पाएं, ना कि पूरे टाइम एक ही जगह पर बंधी रहें। गौशाला का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें गायों की देखभाल करने वाले पर भी काम का ज्यादा दबाव ना आए, साथ ही में वे बड़े व्यवस्थित तरीके से हर एक गाय पे वे ध्यान दे पाए और गौशाला को हमेशा एकदम साफ सुथरा और टिप टॉप रख पाए। गौशाला दिखने में भी आकर्षक हो और उसको बनाने में लागत भी कम आए, ताकि पशुपालक अच्छे गौधन में ज्यादा पैसे खर्च कर पाए, बजाय बड़े और महंगे शेड पे जिसकी देसी गायों को कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस गौशाला का निर्माण किया था। तो आइए अब हम आपको एकदम विस्तार में बताते हैं कि 50 गायों तक की गौशाला का निर्माण कैसा होना चाहिए। तो यहाँ हम गायों को पूरे खुले में रखते हैं और जब भी मिल्किंग का टाइम होता है तब हम इन गायों को अंदर लाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम गायों को अंदर लाते हैं और इनके अलग अलग हमने पार्टीशंस बना के रखे हैं, जैसे हर एक गाय को उसके हिस्से का चारा बहुत अच्छे भरपूर मात्रा में मिल सके और ये चारा बहुत अच्छे से खा सके। क्योंकि क्या होता है, हमने देखा है काफ़ी सारी गौशालों में एक ही जगह पे कम से कम 4-5 गाय खाती है और सब गायों को उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है चारा जितना मिलना चाहिए। सो ये जो गौशाला है, इसका डिज़ाइन हमने हेड टू हेड रखा है और बीच में हमने इस तरीके से गैलरी दी है। गैलरी का फ़ायदा ये रहता है कि मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे गायों को चारा डालना हो तो चारा डालना बहुत आसान हो जाता है और बेसिकली विजिटर्स के लिए मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जो पैसेज है, इसकी विड्थ हमने 5 फीट रखी है और इसकी लंबाई 100 फीट है। तो अब मैं खुरलियों की बात करती हूँ। हमारी खुरलियों की खासियत ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जालियाँ लगा के रखी हैं। तो ये जालियाँ हम क्यों लगाते हैं? ये जालियाँ हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी इसमें चारा डाला जाता है तो चारे में बहुत बार मिट्टी या रेती पाई जाती है, तो क्या होता है वो अच्छी नहीं होती अगर गाय कंज्यूम कर ले तो ताकि वो चारा छन जाए, वो मिट्टी और रेती नीचे चले जाए, इसलिए हमने ये जाली बना के रखी है और वो सारी रेती और मिट्टी छन के यहाँ नीचे आ जाती है और इस तरह से हमने स्लोप बना के रखा है ताकि वो सारी नीचे जाके यहाँ जमा हो जाए। वो सारी यहाँ जमा हो जाती है मिट्टी और रेती और यहाँ से हम बड़ी आसानी से उसकी सफाई कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन बनाए गए हैं, अब मैं उसके डायमेंशंस बताऊँगी आपको। तो ये है टोटल 4 फीट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल ये 4 फीट का है। और अगर हम हाइट की बात करें इसकी तो यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक ये 2 फीट है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी 2 फीट है। तो ये काफ़ी सफिशिएंट रहती है एक गाय के लिए। और ये जो जाली है उसमें जो होल्स हैं उसका साइज़ है 3 mm। तो सिर्फ जो गौशाला वाला पार्ट है वो उसकी विड्थ 60 फीट है और इसकी जो लंबाई है ये 120 फीट है। तो जैसे ये जो विड्थ वाले जो 4 पिलर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस 20 फीट हो गया और ऐसे 15 फीट में एवरी 15 फीट एक पिलर है, तो लेंथ इसकी 120 फीट है, विड्थ इसकी 60 फीट है। आपको ये प्रश्न होगा, ये सवाल होगा कि जैसे ये जालियां हैं लोहे की है तो हम बाट या कॉन्सेंट्रेटेड फीड कैसे देते होंगे गायों को?
तो वो जैसे कि आप देख सकते हैं हम इन तगारियों में देते हैं, जितनी आवश्यकता होती है दूध के हिसाब से उतना हम उस गाय को देते हैं ये वाला फीड। तो अब मैं आपको इस शेड के रूफ के बारे में बताता हूँ। इसका जो स्लोप है पूरे रूफ का हमने एक ही डायरेक्शन में लिया है और हाईएस्ट पॉइंट वो वाली साइड है और वहाँ पे हाइट इसकी 15 फीट है और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है इसकी हाइट 12 फीट है। सो यहाँ पे टोटल 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर वहाँ पे 15 फीट का है, सेकंड पिलर 14 फीट का है, ये वाला 13 फीट का है और वो वाला 12 फीट का है। अब जैसे यहाँ पे स्लोप एक डायरेक्शन में लेने का एक एडवांटेज ये है कि हमको दोनों साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नाली नहीं लगानी पड़ती, जिसकी कॉस्ट बच जाती है, यू नो, कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन है। दूसरा, इस डिज़ाइन में दो साइड स्लोप रखने की एनीवेज भी रिक्वायरमेंट नहीं है। होता क्या है कि ये वाली साइड गाय हमेशा खुली रहती है और ये वाली साइड सिर्फ मिल्किंग के टाइम पे गायों को इस तरफ आना पड़ता है, अदरवाइज ये साइड खाली रहती है। तो गाय यहाँ पे मिल्किंग के टाइम हमेशा सुबह जल्दी आती है या फिर शाम में आती है। तो यहाँ पे हाइट भले ही कम है पर क्योंकि ये सुबह और शाम के टाइम पे आती है तो एनीवेज भी हीट उन टाइम्स में डे के कम होती है, तो उस वजह से यहाँ पे हीट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इस तरफ क्योंकि हाइट ज़्यादा है और बाकी टाइम पूरे दिन गाय इधर रहती है, तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो जो प्रोफाइल शीट की जो गर्म है, जो तपास रहती है, वो नहीं आ पाती हाइट ज़्यादा होने की वजह से। ये इस डिज़ाइन की विशेषता है। अगर आप प्रैक्टिकल यूजेज के हिसाब से देखें तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है इस शेड डिज़ाइन का। ऑल्सो इस रूफ़ का एक और फीचर है, वो है इनकी ये जो यहाँ पे फाइबर शीट्स हमने लगाई हैं, तो ये गैलरी के ऊपर हर 15-15 फीट पे ये 3.5 फीट चौड़ी फाइबर शीट्स हैं वो हमने लगाई हैं। उसका विशेष फ़ायदा ये रहता है कि एक तो ब्यूटिफिकेशन इससे अच्छा हो जाता है, लाइट ज़्यादा आती है, जितनी ज़्यादा लाइट अंदर आती है शेड के अंदर उतना अच्छा दिखता है शेड। और इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो लेंथ है ऐसी फाइबर शीट की, वो हमने इस वाले पोर्शन से ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं करी है, क्योंकि होता है कि इसके नीचे हीट ज़्यादा आती है, क्योंकि लाइट ज़्यादा आती है तो गर्मी ज़्यादा लगती है इसके नीचे, तो वो हमने सिर्फ यहीं तक रखा है, ताकि आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर गाय पे हीट जाएगी और फिर गाय अनकंफर्टेबल हो जाएगी जहाँ जहाँ ये है। तो वो चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना कि इसको आप सिर्फ यहीं तक ही रखें और ज़्यादा आगे एक्सटेंड ना करें। हमारी इस रूफ़ का एक और फीचर ये है कि हमने यहाँ पे एक एयर वेंट दिया है, 6 इंच हाइट का एक एयर वेंट है। तो ये वाली जो पहली जो प्रोफाइल शीट है 20 फीट की, उसके ऊपर जो नेक्स्ट शीट है उसके बीच में हमने ऐसे 6 इंच का गैप दिया, तो जितनी भी गर्म हवाएं होती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर से ही उस एयर वेंट से निकल जाती है, अगर जो भी इस शेड के अंदर बिल्टअप होती है। हालांकि क्योंकि ये तीनों साइड से ओपन है, ज़्यादा मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है इसमें, तो हॉट एयर इसमें अंदर किसी भी एंगल से ट्रैप नहीं हो पाती है, तो हमेशा ये ठंडा ही रहता है उस वजह से। सो हमने इस गौशाला को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया है लेंथ वाइज, और ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ साउथ है। सो बेसिकली हमने, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्टर्लीज जो आती हैं उनको ब्लॉक करने के लिए हमने वहाँ पे बैम्बूज़ लगाए हैं बॉर्डर पे। तो बैम्बूज़ अभी लगभग 1.5 साल के हैं, तो अभी पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, पर आने वाले 2 साल में ये एक विंड ब्रेक क्रिएट कर देंगे वहाँ पे। तो जितनी भी वेस्टर्लीज हो गई, लू हो गई, या सर्दियों में भी जो हवा आती है वो उनको ब्लॉक कर लेगी, जिससे गायों का बचाव हो जाएगा। और साथ ही में हमने जो उत्तरी दिशा है, उत्तरी दिशा में हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिए, रूम्स वगैरह बना दिए, जिसकी वजह से सर्दियों की जो ठंडी हवा आती है उत्तर की दिशा से, वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो इस वजह से डायरेक्शंस का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये वाली जो साइड है, यहाँ पर सारी हम मिल्किंग वाली गायों को बांधते हैं। टोटल इस तरफ 25 गाय आ जाती हैं, उस तरफ 25 गाय आती हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एक पार्टीशन की विड्थ है ये 4 फीट है, तो आप देखो कितनी कंफर्टेबली गाय यहाँ पे खड़ी हो जाती है। और यहाँ पे साथ ही में इस तरफ बछड़ी भी बंधी हुई है, साथ में वो दूध पी रही है, तो बछड़ी के खड़े होने के लिए भी जगह है और गाय भी कम्फर्टेबली खड़ी हो जाती है। तो ये जो पार्टीशन हमने बनाए हैं, इसकी हाइट आप देख सकते हैं, लगभग 2.5 फीट हाइट है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.5 फीट है, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 फीट का है, ठीक है। और ऊपर हमने यहाँ पे इस तरीके से एक बार लगाई है। तो बार आप सोच रहे होंगे क्यों लगाई है, उसका कारण ये रहता है
कि गाय जैसे कि ये अभी खाना खा रही है, तो गायों की आदत होती है बहुत बार गर्दन उठा के चारा उछालने की आदत होती है, तो इसकी वजह से वो चीज़ नहीं कर पाती, उससे चारे की वेस्टेज कम हो जाती है। और साथ ही में हमने यहाँ पे इस तरीके की भी बाड़ लगाई है ताकि एक गाय दूसरे का चारा या बाँट ना खा पाए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है खुरली से लेके इस दीवार तक, ये 10 फीट का डिस्टेंस है। और ये वाला जो है यहाँ पे हमने पेवर ब्लॉक लगा रखा है, 5 फीट पेवर ब्लॉक है, 5 फीट ये कॉन्क्रीट है। तो इसका आइडिया ये है कि एक तो पेवर ब्लॉक लगाने से गाय स्लिप नहीं होगी, गायों का पैर, यू नो, और दूसरा ये जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट हमने यहाँ से इसका स्लोप दिया है ताकि जो भी गौमूत्र इधर इकट्ठा होता है वो इस तरीके से रिस के यहाँ पे नाली बना रखी है हमने, तो नाली में सारा गौमूत्र आ जाता है। गायों का जो मिल्किंग वाला एरिया होता है वो हमेशा अलग होना चाहिए उनके रेस्टिंग एरिया से, इसीलिए हमने इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है। उसका कारण ये है कि गाय जैसे यहाँ पे हम लोग गायों का दूध निकालते हैं तो दूध वगैरह गिरता है, तो गाय यहीं पे कभी बैठनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहीं पे गाय वापस बैठेंगी तो जैसे दूध जो गिरा हुआ है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो वो अडर से जब चिपकेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मैस्टाइटिस हो सकता है गाय को। उस वजह से गाय जब भी जिस भी जगह पे गायों का दूध निकालता है वहाँ पे गाय ना बैठे, उसके लिए हमने ये अलग बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे गाय सिर्फ 2 घंटे रहती है, सुबह और शाम को। तो सामने वहाँ बच्चों का पैन है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गेट लगा के रखा है और ये बच्चा सीधा आके अपनी माँ के पास आ गया है दूध पीने के लिए। और यहाँ पे आप देखिए ये बच्चों का हमने पैन बना के रखा है, यहाँ पे सारे बछड़ी बछड़े रहते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी स्पेस हमने दे के रखी है उनके खेलने कूदने के लिए, घूमने के लिए। तो अगर हम बच्चों के एरिया के डायमेंशंस की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट इसका है 40 फीट, और नॉर्थ टू साउथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर शेड तक का इसका है 15 फीट, और शेड से लेकर वहाँ बाउंड्री तक का है इसका 35 फीट। तो इसका जो टोटल एरिया है वो 40 बाय 50, और यहाँ पे ये जो ओपन स्पेस है वो बच्चों के खेलने कूदने के लिए या घूमने के लिए है। और यहाँ पे हमने इतना एरिया शेड तक का एरिया हमने ये पक्का बनाया हुआ है, क्योंकि अगर बारिश होती है पानी होता है तो कीचड़ ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने ये वाला एरिया पक्का बनाया हुआ है, और वो वाला पूरा कच्चा है। यहाँ पे पूरे खुले में रहते हैं बछड़े बछड़ियाँ, और अगर आप देखें हमने यहाँ पे इनके खाने के लिए खुरलियाँ दी हुई है, तो ये आराम से यहाँ पे इनका चारा खा सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3। और अगर आप देखें यहाँ पे इनका पानी पीने का है, तो ये ऑटोमेटिक वॉल लगी हुई है यहाँ पे, तो अगर इसका पानी कम होता है तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है पानी और ऊपर तक पूरा भर जाता है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमने बुल का पैन बनाया है, तो ये हमारे बुल का पैन है, ये हमारा मेन ब्रीडिंग बुल राज है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमारी सारी गाय खुली रहती है, ये वाला एरिया पूरा गायों के घूमने के लिए, खेलने के लिए, मज़े करने के लिए है। अगर आपको हमारी ये खूबसूरत सी प्यारी सी गौशाला अच्छी लगी हो और इनकी प्यारी प्यारी गाय अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की गौशालाएँ और बन पाएँ। जितनी ज़्यादा ऐसी गौशालाएँ बनेंगी उतना ही देसी गायों को बढ़ावा मिलेगा। और ये बात ये ज़रूरी है जानना कि गौशाला का डिज़ाइन जैसा हमने बताया ऐसा ही होना चाहिए, गाय इस तरीके से एकदम खुश और संतुष्ट रहती हैं। तो हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या आपको और टॉपिक्स के बारे में जानना हो या इसी वीडियो रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, हम उसको आंसर ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।